कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज दलहन बाजार के बारे में। देखेंगे दलहन बाजार में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, खास तौर से चने और अरहर दाल में। देखेंगे इन दोनों दालों में किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड चल रहा है, क्या कीमतें चल रही हैं और आने वाले समय में दलहन बाजार कैसा रह सकता है, विस्तार से इस बारे में जानेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चने के बाजार के बारे में बात करते हैं। तो बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। दलहन बाजार में चने कीमतों में 25 से 30 रुपए तक की नरमी आई है। नेफेड ने चने की निविदा को रद्द कर दिया है, जिससे दाम बढ़े थे तो बाजारों में अब जाकर गिरावट दोबारा से देखी जा रही है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली की लॉरेंस रोड की मंडी में राजस्थान के चने के दाम 5100 से लेकर 5150 के बीच है। मध्य प्रदेश में चने के दाम 5100 रुपए प्रति क्विंटल देखे जा रहे हैं। चने की जो दैनिक आवक है 10 से 15 मोटरों की हुई है। व्यापारी ऐसा मान रहे हैं कि अगर नेफेड ने चने की बिक्री कर दी तो मौजूदा कीमतों में फिर से हल्की तेजी देखने को मिले। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर नेफेड की बिक्री जारी रहती है तो बड़ी तेजी के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। वैसे भी चालू रबी में चने की बुआई पिछले साल के लगभग बराबर रहने का अनुमान है और साथ ही उत्पादक राज्यों में बकाया स्टॉक भी अच्छा है। इसी वजह से बाजारों में जो आप गिरावट पर यहां से खरीदारी करके चल सकते हैं और आने वाले समय में बाजार चने का कैसा रहता है वो खास तौर से नेफेड की खरीदारी पर ही, नेफेड की बिकवाली पर ही निर्भर कर सकता है। अरहर दाल के बारे में अगर बात करी जाए तो इसके दाम स्थिर हो गए हैं, बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं देखी जा रही है। सोलापुर की मंडी में अरहर के दाम 7000 से लेकर 7100 के बीच बाजारों में देखे जा रहे हैं। हालांकि व्यापारी अरहर में अब तेजी में नजर नहीं आ रहे हैं। आगामी दिनों में घरेलू मंडियों में नई फसल की आवक बढ़ने वाली है और दिसंबर तक आवकों का भी दबाव बना रह सकता है और साथ ही अफ्रीकी देशों से लगातार सस्ती अरहर का आयात हो रहा है। इसी वजह से केवल मिले जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करके चल रही हैं। तो दलहन बाजार में ना बहुत ज्यादा तेजी देखी जा रही है ना ही बहुत ज्यादा मंदी है। चने कीमतों में आने वाले समय में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो बाजारों का जो ट्रेंड है वो इस वक्त के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो आप यहां से अपनी जरूरत के हिसाब से दलहन बाजार में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए उत्सुक हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।